आपका क्या नाम है? कुसुम कनौजिया। आप क्या करते हैं कनौजिया? मैं परस्नातक कर रही हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस चीज़ में कर रहे हैं? हिंदी में स्नातक कर रही हैं आप? क्या स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं आप? क्या बोलेंगे अभी जो चुनाव चल रहा है, 10 साल वर्तमान सरकार को हो चुके हैं, बदलाव देख रही हैं या वापस से चाह रही हैं कि सरकार जीते, क्योंकि भविष्य जो है आप एक छात्र हैं। एज अ यूथ अगर हम देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो सरकार चल रही है, यानी जो करंट में बीजेपी की सरकार है, उसने काफ़ी 70 सालों से हुए जो चीज़ें हो रही उनसे काफ़ी अलग हट के काम किया है। पहली चीज़ है, यूथ को इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जो कि 70 सालों में नहीं मिल पाई थी। अच्छा। जो हायरार्की सिस्टम चल रहा था उसको चेंज किया है उन्होंने। अपॉर्चुनिटी में जैसे आप देख लीजिए, कुछ स्कॉलरशिप के होते हैं, जैसे हमें नहीं पता होता है पहले के टाइम पे था कि स्टूडेंट को नहीं पता होता था कि हमें किस बेसिस पे कैसे जाना है, कैसे हमें वर्क करना है, उस चीज़ पे वो एक नया डेवलपमेंट ला रहे हैं। तो इस चीज़ में हम देखते हैं कि उन्होंने ये किया। प्लस गाँव की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की हैं, जैसे शौचालय बनवा दिया है। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम देखते हैं तो उन्होंने बेहतर किया है अकॉर्डिंग टू मी। एक थोड़ा सा आप, क्योंकि आप लोग महिलाएं भी हैं, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस गवर्नमेंट को एक विश्लेषण किया जाए 10 सालों का, आप कैसे देखेंगे महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, बताइए। ठीक है, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि 10 सालों से जो सेफ्टी है वो एकदम अपर लेवल पे है। मतलब पहले का टाइम ये था कि मैं खुद बताती हूँ एज अ गर्ल कि हमारे घर से निकलने नहीं दिया जाता था, बट आप अभी 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक भी जाते हो ना तो पेरेंट्स आपको भेज देते हैं। वो ये इतना हो चुका है कि आज मेरे पेरेंट्स, मैं 10 बजे पहुँचती हूँ 11 बजे पहुँचती हूँ, उनका सिर्फ एक कॉल आता है, वो परेशान नहीं होते कि 8 बज गया मेरी बेटी घर क्यों नहीं आई, उन्हें पता है कि मैं कहाँ गई हूँ, सेफ्टी है मेरे पास। तो इसलिए मैं देख, सेफ्टी का सोर्स क्या है फिर? सेफ्टी का सोर्स ऐसा देख सकते हैं, जैसे हमारे CM हैं योगी जी, उनका नाम ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि उस विषय पे हमें ज़्यादा विस्तृत से चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। उनका नाम काफ़ी है कि यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, यानी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनको पता है कि लड़कियों की क्या है, उनके साथ कैसा अगर सलूक किया जाएगा तो उसका रिजल्ट आउटकम्स क्या निकलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिल्कुल सबसे बड़ा नाम जो है वो काफ़ी है। मुझे लगता है इस नेम को दोबारा लेना नहीं है, लेकिन वो नेम काफ़ी है। आप लोग चाहते नहीं है खुद महिला है कि देश के एक बार दोबारा से प्रधानमंत्री, बागडोर जो है एक महिला के हाथों में आने चाहिए? बिल्कुल नहीं। महिलाएं महिलाओं के दिशा, अगर हमें लगता है कि इनसे बेहतर कोई आने वाला है तो हम जरूर उस पे सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। बट मुझे अभी लगता है एज अ गर्ल तो उनसे बेहतर कोई भी नहीं लगता। मोदी जी से बेहतर काम करें। अब कुछ बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, किसी कोई एक बच्चा फर्स्ट आया है, बाकी के बच्चे बोल रहे हैं अरे ये तो हम भी आ सकते थे। तो आप काम तो करिए, फर्स्ट तो आइए, तब हम आपको चुनेंगे ना। काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप बोल रहे हैं ट्वीट पीछे से, तो ये तो बात नहीं होती है ना। मैं बोला था महिलाओं के बागडोर हाथ में वापस देश की जानी चाहिए। ठीक है, उसके लिए कोई फेस भी तो होना। प्रियंका गांधी है? बिल्कुल नहीं। अगर वो आती है नहीं तो अगर आप प्रियंका जी की बात कर रहे हैं तो वो आएंगी तब तो बिल्कुल, जितना देश इस 10 सालों में यहाँ पहुँचा है वो वापस से नीचे आ जाएगा। हम लोग जो 70 साल, प्रियंका गांधी का नाम सुनते इरिटेशन क्यों होने? इरिटेशन इसलिए क्योंकि उनकी सरकार ने क्या किया हमारे लिए? बिल्कुल नहीं किया। मैं बताती हूँ, मैं ऐसी कैटेगरी से आती हूँ, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट हैं आप? बिल्कुल। लेकिन मुझसे लोग बोलते हैं कि आप क्यों एज अ शेड्यूल कास्ट आप मोदी जी को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो बीजेपी है वो ब्राह्मण की है, वो राजपूतों की है। बिल्कुल, बट मैं एकदम रेसिज्म और कास्टिज्म से हट करके एज अ यूथ आइकन के बेस पे अगर देखती हूँ तो मुझे वो काम इस गवर्नमेंट में पिछले 10 सालों से दिख रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बेहतर जो गवर्नमेंट है वो यही है। जब तक मोदी जी से बेहतर कोई चेहरा नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके रिप्लेस के लायक कोई होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आप क्योंकि दलित कम्युनिटी से आती है, मैं एक थोड़ा सा सवाल पूछूंगा। अभी एक इशू चल रहा है कास्ट सेंसस को लेके, कि जातीय जो गणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस पे क्या बोलें आप खुद दलित कम्युनिटी से? मुझे ये लगता है जो आपने बोला कि हिस्सेदारी वाली बात है, जितना जिसका है उसको उतना तो मिल ही रहा है ना। आप वर्क करो, आप आगे बढ़ो। मुझे तो कास्ट सेंसस की जो बात, जो उससे कोई मतलब ही नहीं ना, क्यों आप जात के पीछे पड़े हो? मुझे लगता है कि आप खुद एक जातिवाद आप फैला रहे हो इस चीज को। जो गवर्नमेंट एक साथ एक भारत को बिल्कुल सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबको एक साथ लेके चला, आप तो उसको अलग अलग जातियों में बांट दे रहे हो, क्योंकि आप किसी को शेड्यूल कास्ट बता रहे हो, किसी को ब्राह्मण बता रहे हो। ये तो फिर आपकी, कभी भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर नहीं चलता। अच्छा, है थोड़ा सा आपने, इन्होंने राहुल गांधी कह रहे हैं कास्ट सेंसस की बात, और एक तरफ है मोदी जी जो कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाने की बात बन रहा है।
हाँ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के बाद, तो ये दो पर्सपेक्टिव जो है, दो विजन जो है, वन एक तरफ है जात के ऊपर दोबारा से जनगणना कराए और दोबारा से समाज को बांट के उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए, और दूसरा कह रहा है कि नहीं हम जितना हिस्सा है उसको और बड़ा करते हैं और अच्छा करते हैं। बिल्कुल, तो मैं इस चीज पे, जैसे मोदी जी ने बोला कि हम सब विकसित बनाना है, तो विकसित तो बन ही रहा है। जैसे हमें होता है कि हमें रिजर्वेशन मिलती है, नो डाउट, लेकिन एक चीज ये जैसे हो जाती है कि ब्राह्मण 10% EWS को भी तो मिलती है ना। उन्होंने इक्वली सबके लिए यहाँ पर सोच कर किया, पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए वर्क नहीं किया है। और रही बात, लोग बोलते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, ब्राह्मण्स बोलते हैं कि आप SC को इतना दे दिया, इतना दिया, तो ये मोदी जी ने नहीं दिया, ये तो संविधान जब से बना है ये तब से चल कर आ रहा है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि इस गवर्नमेंट ने हमें ये चीज़ दी? ये जो बोले संविधान खत्म, आपके आरक्षण छीन लेंगे मोदी सरकार, बिल्कुल नहीं छीनेंगे। ये सिर्फ एक होता है ना कि गलत फहमी जो आपको भ्रम में डाल रहा है। तो जैसे एक लोग होते हैं कि हाँ यहाँ फेंका तो यहाँ से उठा लिया, यहाँ फेंका तो यहाँ से उठा लिया, वो चीज यूथ को भ्रम में पड़ रहा है। तो बेसिकली ये चीज है। आप क्या बोलेंगे? मैंने इनसे सेम क्वेश्चन पूछा था, प्रियंका गांधी के हाथ में बागडोर दे देने से महिला के हाथ में बागडोर। सीधा सा जवाब है, इन्हें भी बराबर का करना चाहिए ना। जब हम आपका काम देखेंगे ही नहीं तो आपको वोट कैसे देंगे? पहले आप करके तो दिखाइए। सिर्फ दूसरों पर कीचारोपण करने से ही आप आगे नहीं हो सकते, आपको खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सेम आपसे पूछूंगा, प्रियंका गांधी क्योंकि दिखती भी इंदिरा गांधी की तरह है, थोड़ी सी नाक भी उनकी दादी की तरह मिलती है, दिखने से ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम उनको ही प्राइम मिनिस्टर का या फेस दे देंगे। चाहेंगे नहीं बीइंग अ वुमन एक महिला को वापस से बागडोर मिले? बता रहे हैं, बीइंग अ वुमन पहले वो करके तो दिखाएं जो इंदिरा गांधी जी ने करके छोड़ दिया, जो वो करके चली गई देश के लिए, उसका अगर वो 5% भी कर देना तो मैं मान जाऊँ। लड़ तो रही है, लड़की है, लड़ सकती है, रैली में लड़ रही है अपने भाई के लिए। बता रहे हैं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। भाई के लिए लड़ तो रही है लाइब्रेरी। अरे भाई के लिए लड़ना तो नहीं होता है ना, एक चीज ये जो आपने बोला कि भाई के लिए लड़ दी, एक CM योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अवेलेबल है। तो मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने वो अपने भाई के लिए पर्टिकुलर लड़ रही हैं। बताइए, लेकिन और बात तो यहीं पर आ गया कि अपने भाई के लिए लड़ रही हैं, देश के लिए क्यों लड़ रही हैं? महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, बोल रही हैं। महिलाओं के लिए करके तो दिखाएं, हमें तो नहीं दिखा। मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश मोदी के लिए लड़ रहा है, बात यहीं खत्म। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम हर्षता विश्वकर्मा है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। जी मैं लखनऊ में रहती हूँ, बट मैं मूलतः तो वाराणसी की हूँ। अभी तो मैं MBA कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर है इधर। अभी आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से अपना नामांकन किया है, तीसरी बार सांसद के तौर पे और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे चुनाव लड़ेंगे। क्या बोलते हैं आप, खुद बनारस से आती है, मतलब बनारस के अगर सांसद के रूप में उनको देखा जाए और एक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए, महिला के पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हो, अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन सब में जो मोदी जी हैं उनका कार्यकाल हमें सबसे अच्छा लगा है। क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ, तो जब नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, जब सपा की सरकार थी तो हमारा यादव की सरकार, जी जी, हमारा मोहल्ला जो था तो हम जल्दी निकल नहीं पाते थे कतवापुरा, तो बहुत ही मतलब लड़के घूमते रहते थे हमेशा, अपना मतलब यादव का आधिपत्य था हमेशा। अच्छा। तो सेफ तो फील नहीं होता था, ना गलियों में होता था ना सड़कों पे होता था, चाहे बनारस की बात करूँ चाहे कहीं की भी बात करूँ। पहला तो ये कि सेफ्टी तो फील होती है, महिलाओं को सेफ्टी फील होती है। सेकंड है जो डिजिटलाइजेशन है उस पर इन्होंने जोर दिया है, स्टार्टअप इंडिया पे जोर दिया है, जो एज अ MBA स्टूडेंट हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास। आपका क्या नाम है? अंतिमा दुबे। अभी यही लखनऊ BSc लखनऊ यूनिवर्सिटी। अभी एक मुद्दा चला था कि मोदी जी ने जो 40 साल से बिल अटका हुआ था, जो राजीव गांधी ने सपना देखा था महिला आरक्षण का, 33% महिला आरक्षण का, ये जो महिला वंदना जो बिल अभी पास हुआ है और उसके बाद जो कानून बोले 2026 में लागू होगा, महिलाओं के पर्सपेक्टिव से आपको जो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को छला गया है, विपक्ष जो बोल रहा है कि देश को महिलाओं को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया और छला गया महिलाओं को, मोदी सरकार ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, बहुत सी नीतियां लाई हैं, जैसे योजनाएं लाए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना। पहले ग्रामीण महिलाओं को जो है चूल्हे से खाना बनाना पड़ता था, तो उस LPG आने की वजह से आजकल उन्हें आसानी हो रही है पाइपलाइन पानी के लिए। और मतलब ऐसे दिल्ली में या जो इधर शहरी लोग हैं उनको पता नहीं लगता कि एक चूल्हा जो है एक महिला के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है और एक पाइपलाइन कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि जिस महिला को 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़े या जिस महिला को लकड़ी से खाना बनाना पड़े जिससे आंखें खराब होती हैं, वो थोड़ा सा समझने में लोगों को, जो शहरी लोग हैं या जो दूर दराज बड़े बड़े शहरों में, तो थोड़ी सी समझ की कमी है। पर लेकिन अभी हम लोग शहर में भी, पहले हम लोग रात देर रात में नहीं निकल सकते,
सकते थे। अभी हम देर रात में भी निकलते हैं, घर वाले भी अलाउ कर देते हैं क्योंकि पता है कि हम सुरक्षित हैं योगी जी की सरकार में। जैसे कि मैं अयोध्या से हूँ, मंदिर बनने से क्या विकास हुआ है? मंदिर बनने से बहुत विकास हुआ है। लोकल लोग बोलते हैं कि खाना थोड़ा मिल जाएगा, हॉस्पिटल बना देते, लोगों को रोजगार मिला है, टूरिस्ट आए हैं वहाँ पे, शॉप वालों को बहुत बहुत ज्यादा। और जिन्होंने कहा है कि जो घर टूटे हैं, रोजगार उनको कुछ मिला नहीं है, बल्कि उन्होंने दिया है उसका जो मतलब जिनका रेंट था या जो भी था वो उन्होंने दिया है जिसका घर टूटा है। और तो और योगी जी ने वहाँ पे छोटी छोटी दुकान भी अलॉट कराई है और दुकान रेडी हटवा के उन्होंने सबको दुकान दिया है और सबको रोजगार मिला है। बिजनेस में तो रोजगार है, छोटे मोटे रोजगार जो है उन्होंने दिया है। तो हमारे अयोध्या का तो मंदिर बनने की वजह से हमारे अयोध्या का बहुत विकास हुआ है, रोडे बन गए। तो आपके वो पक्ष वाले खास होते थे तेजस्वी यादव ने मंदिर बनने के समय बोला था कि हॉस्पिटल बना देते, मंदिर क्या किसी को खाने को दे देगा, बीमार होगा तो क्या हॉस्पिटल जाएगा या मंदिर में राम मंदिर मिला। उन्होंने हॉस्पिटल भी बनवाया है, दशरथ मेडिकल कॉलेज वहाँ पे हॉस्पिटल भी बनाया है। जिले में तो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं ना, और एम्स भी आ रहा है, ट्रॉमा सेंटर भी वहाँ पे आ रहा है। आपने एक क्वेश्चन किया, उसका जवाब मैं देना चाहूंगी। आपने कहा कि महिला वंदना योजना जो आया है वो कह रहे हैं कि झुंझुना है, तो ये झुंझुना उन्होंने क्यों नहीं दे दिया, मेरा क्वेश्चन उनसे है। और दूसरी बात, अगर ये झुंझुना है, जैसे जब EWS आया था आरक्षण जनरल में, तो उसको भी बोले थे कि जनरल को ऐसे झुंझुना पकड़ा दिए हैं उनका वोट पाने के लिए, जबकि उसके कितने लाभ हैं मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जनरल से आती हूँ, सरिता पांडे मेरा नाम है, और मैं एक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से है वहाँ से आती हूँ, मेरे पापा किसान हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि उसके कितने लाभ हैं 10% आरक्षण का, क्योंकि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है, प्रारंभिक शिक्षा हमारी बहुत अच्छी नहीं हो सकी है फाइनेंशियली कमजोरी की वजह से, पर उस 10% आरक्षण की वजह से मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ से पढ़ाई करती हूँ और आज मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं अभी PhD के लिए प्रयासरत हूँ, PhD की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सपना है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ है, हाथ है बिल्कुल बिल्कुल अगर वो शायद 10% मुझे नहीं मिलता तो मेरे जगह पे कोई और उस आरक्षण का लाभ लेके वहाँ पे एडमिशन ले लिया होता। क्या नाम है मैम? आराध्या सिंह। आराध्या जी आप यही लखनऊ में रहे? हाँ जी, फिलहाल तो लखनऊ में ही रह रहे हैं। आप मतलब स्टूडेंट हैं या? लॉ के स्टूडेंट है, लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यही लखनऊ से पढ़ाई कर? जी लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या बोलेंगे अभी जो आप खुद लॉ के स्टूडेंट है, ये जो बोला जा रहा है कि संविधान खतरे में है, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, और अगर इस बार चुनाव BJP जीत जाती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरी बार, तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा देश से, जो लोगों की आजादी है वो समाप्त हो जाएगी देश से, क्या बोलेंगे लोग? जो भी मोदी जी का समय चल, उसको लोग कह रहे हैं ना कि वो एक डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तो मतलब मेरा एक सिंपल सा वो है कि उन्हें फिर से संविधान पढ़ने की जरूरत है। अगर वो पूरा संविधान पढ़े तो उन्हें समझ में आएगा कि मतलब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग अ स्टूडेंट जितनी पढ़ाई मैंने करी है, मुझे लगता है अभी जितना संविधान को महत्व दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता आज से 5 साल पहले 6 साल पहले संविधान की ये वैल्यू थी। 5-6 साल पहले भी BJP की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी, भाई कुछ टाइम नहीं, BJP को भी तो वो चीजें बेहतर करने में समय लगा ना, जो चीजें खराब थी, मतलब मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, जो चीजें आप खुद देख पाएंगे। खुले तौर पे तो बोल रहे हैं कि BJP वाले 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान में बदलाव करा जा सके, संविधान बदल देंगे, तो वही तो कह रहे हैं कि फिर से संविधान उठा के उन्हें पढ़ने की जरूरत है, अगर उन्हें लग रहा है कि संविधान खतरे में है तो उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है कि संविधान में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या गुड वे में हुए हैं और कौन से नेगेटिव वे में हुए हैं, उन्हें जरूरत है पढ़ने की, जरूरत है। आप खुद लॉ के स्टूडेंट, आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में होगा? मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है संविधान बदला नहीं जा सकता है? बिल्कुल नहीं, संविधान कौन बदल सकता है, संविधान तो एक समय पहले संविधान में हम मतलब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें सिखाया जाता है, फंडामेंटल चेंजेस तो कर ही नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर सकते हैं। पक्ष वाले खास तौर से राहुल गांधी है जो बोल रहे हैं कि आत्मा बदल देंगे और संविधान खत्म हो जाएगा, यह भ्रम की स्थिति पैदा कर। एक चीज कही जाती है कि जो संविधान है उसका होल और सोल तो कोई बदल ही नहीं सकता है, उसमें थोड़ा सा हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं, तो जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसको हम एक छलावा कह सकते हैं कि वो मतलब युद्ध को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हाँ वो भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, नो डाउट वो भ्रमित कर रहे हैं। जो भी चल रहा है कि राहुल गांधी जी पे आते हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी रायबरेली में कंटिन्यूसली अपना डेरा डाली हुई है, तंबू गाड़ी हुई है वहाँ पर, अब वो भी महिलाएं, अभी महिलाएं हैं, क्या बोलेंगे राहुल गांधी? और उत्तर प्रदेश से जो बोल रहे हैं कि अपनी माँ का विरासत संभालने आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, आप इस पर क्या बोलेंगे? जो प्रियंका गांधी कंटिन्यूसली यार, आज भी उन्होंने स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया है कि मोदी जी जो हैं गरीबों के हक मारने वाले आदमी हो सबसे पहले नंबर। यार देखिए,
जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो पावर इस सरकार के पास है, पावर तो हर सरकार को मिलती है ना, तो जो चीज़ ये सरकार कर रही है वो आपने क्यों नहीं की, वो चीज़ आपने क्यों नहीं की, अभी मोदी कर रहे हैं आपने क्यों नहीं की। सीरियसली हम नाम खुल के ले सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है, जो योगी जी मोदी जी कर रहे हैं वो आपने क्यों नहीं किया। आरक्षण आप भी हमें दे सकते थे, हमें हमारे हक आप भी दिला सकते थे, महिला आरक्षण दिला सकते थे आप। ये जो सेफ्टी पर्पस बताया जा रहा है या ये जो वर्किंग प्लेस पे औरतों की सेफ्टी को लेकर के अलग अलग रूल्स निकाले जाते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते थे। आप कानून में आपके कितना बदलाव हुआ है, हमारी आईपीसी पूरी बदल दी गई, सीआरपीसी पूरी बदल दी गई। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमसे हाईकोर्ट के बाहर पूछा गया कि यार आप लोग ने तो पूरी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ ली थी फिर बदल दी गई, बुरा नहीं लगा हमके? क्यों बुरा लगेगा? अगर कोई चेंजेस अच्छे के लिए होते हैं तो हमें क्यों बुरा लगेगा? तो सेम चीज़ तो सरकार के साथ भी हो रही है, लोग कहते हैं यार ये भी बदल दिया, वो भी बदल दिया, अच्छा है, बदलाव है तभी तो हमें युवा तो इसीलिए जाना जाता है कि वो बदलाव करता है। तो जब सरकार बदलाव कर रही है तो हमें क्यों नहीं अच्छा लगेगा? आप हमसे यहाँ पे पूछना, अगर आप अभी किसी गांव में जाएं, हम लोग कभी कभी छोटा छोटा सर्वे करते रहते हैं, तो कोविड के बाद का मेरा एक सर्वे था, काफ़ी बूढ़ी थी वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने तो वो वाला जलजला भी देखा है, कुछ इससे पहले भी कुछ ये हजारडियस चीज़ें हुई थी सोसाइटी में, तो उनका ये था कि मोदी जी हैं तो हम सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा। वरना कोई और सरकार होती तो कोविड के बाद शायद ही जो फिर से जीवन हम जी रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं थी। अच्छा। जो ये सरकार है, एंड आई लिटरली फील इट कि ये जो सरकार है उसने ये जो 2 साल का लॉस इतनी जल्दी कंपनसेट किया है, शायद कोई और सरकार होती तो वो दूसरी सरकार 2 साल का लॉस इतनी जल्दी कंपनसेट नहीं कर सकती थी। आपने मोदी जी का नाम लिया कि मोदी जी हैं तो मैं सरवाइव कर पा रही हूँ, महिलाओं को, महिलाएं क्यों मतलब इतना मोदी जी को लेके इतना जो एक थोड़ी सी टची हो रखी है और इतना क्रेज जो मैं बता रही हूँ, मैं एक बार एक गाँव में, मतलब हम लोग कभी कभी विजिट करते हैं क्योंकि आप जान गए एबीवीपी से हैं, तो मैं एक गाँव में विजिट कर रही थी, तो वहाँ पे 5-6 औरतें थी, दे आर अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड वुमन है, तो सिंपल सी है कि उसके ऊपर जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी वाला जो सिस्टम चलता है कि पितृ सत्तात्मक, पति कमाएगा औरतें खर्चा चलाएंगी। तो उन्हें हमने समझाया कि यार आप भी तो कर सकते हो चीज़ें, आप भी अपना काम कर सकते हो, घर से स्टार्ट कर सकते हो। और एक साल बाद सेम जगह पे जाके मुझे इतनी खुशी हुई कि वो औरतें अपना सामान खुद बना रही थी, अचार, पापड़। अच्छा। और साड़ियों, मोदी जी बात करते शायद विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं, लखपति दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वो उसके लिए छोटे छोटे, ऐसा नहीं है, उन्हें तो राष्ट्रपति कोष से जो वो धनराशि मिलती है उन्हें वो भी प्राप्त हुई थी उनको मदद करने के लिए कि आप चीज़ें, मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं आप ले आइए और फिर से आप बना करके उसको सेल करिए चीज़ों को। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए।